तो नमस्कार दोस्तों ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी ने आज अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट को पब्लिश कर दिया है और आज की इस वीडियो में इन्हीं रिजल्ट को एनालाइज करेंगे कि इस क्वार्टर में कंपनी के रिवेन्यू और प्रॉफिट्स में क्या ग्रोथ आई है जिससे हमें अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में थोड़ी हेल्प मिल सके और यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की तो इस क्वार्टर में कंपनी के रिवेन्यूज आए हैं अट्ठाईस करोड़ रुपये जबकि पिछले क्वार्टर में ये अट्ठाईस करोड़ थे और पिछले साल के जून क्वार्टर में कंपनी के रिवेन्यूज उन्नीस करोड़ थे यहाँ पे देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे कंपनी के रिवेन्यूज में थोड़ी सी कमी आई है तीन परसेंट की लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी के रिवेन्यूज बहुत ही अच्छे से इंक्रीज हुए हैं और फोर्टी वन परसेंट की ग्रोथ आई है कंपनी के रिवेन्यूज के अंदर इसके बाद हम बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो इस क्वार्टर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है पांच करोड़ पे जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था पाँच और पिछले साल के जून क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था पाँच हज़ार तीन सौ तेईस करोड़ पे और यहाँ पर भी देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बारह परसेंट ग्रोथ आई है और सेम ईयर ऑन ईयर बेस पे भी कंपनी के, के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्रेट हैं उसमें भी सेम बारह परसेंट ग्रोथ आई है उसका बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्रे मार्जिन आ रहा है इक्कीस परसेंट का जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था उन्नीस परसेंट और पिछले साल के जून क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था सत्ताईस परसेंट का यहाँ पे देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो दो परसेंट पॉइंट से बढ़ा है लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पर देखें तो सिक्स परसेंट पॉइंट से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम हुआ है इसके बाद अगर हम बात करें कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तो इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है तीन हज़ार आठ सौ उनहत्तर करोड़ पे जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था तीन करोड़ और पिछले साल के जून क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था तीन करोड़ रुपये यहाँ पर देखें तो कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे सात परसेंट ग्रोथ आई है और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स में दस परसेंट की काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है इसके बाद हम देखें कंपनी का नेट प्रॉफिट तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट आ रहा है एक हज़ार नौ सौ तैंतीस करोड़ रुपये जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट था 2,770 करोड़ और पिछले साल के जून क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट था एक करोड़ पे यहाँ पर भी देखें तो क्वार्टर क्वार्टर पर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 30 परसेंट कम हुआ है लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी के नेट प्रॉफिट में 16 परसेंट काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है इसके बाद हम बात करें कंपनी के अर्निंग पर शेयर की तो इस क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर आ रही है उनतीस रुपये जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर थी बयालीस रुपये और पिछले साल के जून क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर आ रही है पच्चीस रुपये चौतीस पैसे यहाँ पर भी, भी देखें तो सेम नेट प्रॉफिट कितना ही क्वार्टर टू क्वार्टर बेस पर कंपनी की अर्निंग पर शेयर तीस परसेंट कम हुई है और ईयर ऑन ईयर बेस पर कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर है वो सोलह परसेंट से कम हुई है तो इस तरह से हम अगर ओवरऑल कंपनी के देखते हैं फाइनेंशियल रिजर्स को तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे कंपनी का रेवेन्यू भी कम हुआ है और साथ साथ नेट प्रॉफिट भी कम हुआ है लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी ने काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है और कंपनी के रेवेन्यूज में भी, भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है और कंपनी के प्रॉफिट्स भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ हुए हैं तो इस तरह से आशा करता हूँ कंपनी के रिजल्ट के बारे में आपको डिटेल नॉलेज मिल गई होगी और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा थैंक यू सो मच